एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी क्या है? ऑपरेटर्स है। तो डिटरमिनेंट एक ऐसा ऑपरेटर है जो सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स पे लगता है, ठीक है। अब मान लो मैंने ऐसे लिखा, देखो पैरेलल लाइंस लिखा और यहां पे कुछ एलिमेंट्स मैंने ऐसे अरेंज कर दिया, ए टू वन ए टू टू, करेक्ट। देखो आई से दिस इज अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर टू। सिमिलरली अगर मान लो ऐसे लिखते हैं, देखो ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री, ठीक है, ए थ्री टू ए थ्री थ्री। अब ये डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर कितना हो गया? थ्री। देखो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम्स, करेक्ट, और वो भी इक्वल नंबर में। तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर टू में एलिमेंट्स कितने हैं? चार। इसमें कितने हैं? थ्री स्क्वायर, यानी कितना? नाइन। तो फोर्थ ऑर्डर का डिटरमिनेंट में कितना होगा? फोर स्क्वायर सिक्सटीन। देखो ऐसे ही होगा हमेशा। अब ऑर्डर टू अगर है तो ये बड़ा आसान है। देखो ये बात याद रखो, ये डायरेक्शन पॉजिटिव सिग्निफाई करता है डिटरमिनेंट, और ये डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव को सिग्निफाई करता है, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। अब इसका वैल्यू भी अगर मुझे लिखना हुआ तो देखो ए वन वन इंटू ए टू टू माइनस ए वन टू इंटू ए टू वन, देखो सिंपली ये इसका वैल्यू बोलो। तो अगर ऑर्डर टू है तो बड़ा आसान काम है लिखना, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्डर थ्री है तो अब ये देखो, अब थ्री हो या फोर हो या फाइव हो, अब ऐसे केसेस को करने के लिए अब सिस्टम चाहिए। तो पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन, इनफैक्ट तुम लोग भी लिखते जाओ। देखो हर एलिमेंट के नीचे दो नंबर लिखा है, अरे जैसे ए टू वन है, टू वन देखो कहाँ है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, देखो दूसरे रो में, इसको रो बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो आई हमेशा याद रखो सिग्निफाई करेगा रो नंबर, ठीक है, आई सिग्निफाइज द रो नंबर, ऑलराइट, और जे सिग्निफाई करता है कॉलम नंबर, ओके। तो अगर ए थ्री टू लिखा है, मतलब देखो थर्ड रो सेकेंड कॉलम का ये एलिमेंट है, थ्री थ्री मतलब देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम, ओके। अब एक और बात याद रखो, ये लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर, राइट साइड बॉटम कॉर्नर, इसको जोड़ोगे तो ये वाले को कहते हैं लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, दोनों वर्ड यूज होता है, तुमको जो अच्छा लगे वो इस्तेमाल कर सकते हो, लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल। ये पहला बेसिक बात याद रहेगा। अब पहला चीज लिखो माइनर, रेडी लिखने के लिए? यस सर। लिखो द माइनर करस्पॉन्डिंग टू, द माइनर करस्पॉन्डिंग टू एनी एलिमेंट ए आई जे, द माइनर करस्पॉन्डिंग टू एनी एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ डिटर्मिनेंट of a determinant is the resultant determinant, is the resultant determinant obtained after removing the row and column, after removing the row and column containing that element, ठीक है। देखो एग्जाम्पल लेके समझा रहे, मान लो एम वन वन हमको लिखना है, ठीक है, यानी माइनर एम वन वन का मतलब ही हुआ माइनर करस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट ए वन वन, वन वन यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो को पूरा ढक दो, देखो ये पूरा एलिमेंट ढका गया और ये कॉलम भी ढका गया, बचा कौन सा? यही चार ना बचा, देखो इसको ढक दिया, इसको ढक दिया, अब बचा कौन सा? ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री टू ए थ्री थ्री, इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखो ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री टू ए थ्री थ्री। देखो ये आया, ये जो
सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, दिस इज द माइनर करस्पॉन्डिंग टू ए वन वन. अब सिमिलरली अगर मान लो मुझे एम वन टू या एम टू थ्री लिखना है, एम टू थ्री मतलब माइनर करस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट ए टू थ्री. यस सर. किसको किसको ढक हो गया बताओ? थर्ड कॉलम, सेकेंड रो, थर्ड कॉलम. सेकेंड रो थर्ड कॉलम. तो देखो सेकेंड रो को आउट किया, थर्ड कॉलम को आउट किया. देखो चार एलिमेंट बच गए तो इनको लिखो. देखो ए वन वन, ए वन वन, ए वन वन, ए वन टू, ए वन टू, ए थ्री वन, ए थ्री वन, ए थ्री. देखो ये आ गया माइनर. तो अगर नौ एलिमेंट है तो नौ माइनर होगा. अब एक और बात देखो, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का जितना ऑर्डर होगा उससे एक कम ऑर्डर उसके माइनर का होगा. यस सर, याद रहेगा ये बात. अब दूसरा टर्मिनोलॉजी होता है कोफैक्टर. ठीक है, लिखो द कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग टू, द कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग टू एनी एलिमेंट ए आई जे, करस्पॉन्डिंग टू एनी एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय Cij is equal to minus 1 to the power I plus j times Mij. ठीक है, अब जैसे देखो M11 का वैल्यू तुम निकाल सकते हो. तो अगर मुझे C11 लिखना हुआ तो हम minus 1 का पावर 1 plus 1 times M11, यानी ये सिंपली M11 के बराबर होगा. लेकिन अगर M2 इसका कोफैक्टर लिखेंगे तो माइनस वन का पावर टू प्लस थ्री टाइम्स ऑफ एम टू थ्री. अब देखो माइनस वन का पावर फाइव माइनस हो गया. देखो ऐसे करके आएगा, समझ में आया बात? तो नौ एलिमेंट है तो नौ कोफैक्टर भी होगा. ठीक है, हाँ. अब एक बात हम लोग निकाल के भी दिखाएंगे इसका प्रॉपर्टी. अब अगला तीसरा पॉइंट ये लिखो, the value of any determinant, the value of any determinant is equal to the sum of all the elements of any one row or column, any one row or column multiplied with its corresponding cofactors. ठीक है, याद रखो कोई भी एक row पूरा या कोई भी एक column पूरा select करो, उसके सारे cofactors elements को multiply करो और सबको जोड़ दो. That will give you value of the determinant. देखो जैसे ये डेल्टा थ्री है तो देखो इसका वैल्यू हम लिखेंगे. देखो अगर फर्स्ट रो लिया तो बस उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करो. देखो ए वन थ्री इंटू सी वन थ्री, या हम ऐसे भी कह सकते हैं मान लो सेकेंड रो लिया तो ए टू वन इंटू सी टू वन, ए टू टू इंटू सी टू टू प्लस ए टू थ्री इंटू सी टू थ्री. देखो सेकेंड रो लिया तो सेकेंड रो का एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स लोगे. या मान लो अगर तुमने फर्स्ट कॉलम लिए तो देखो ए वन वन इंटू सी वन वन, ए टू वन इंटू सी टू वन, ए थ्री वन इंटू सी थ्री वन. ठीक है, और आई कैन ऑल्सो राइट सपोज थर्ड कॉलम लिया तो देखो ए वन थ्री इंटू सी वन थ्री, ए टू थ्री इंटू सी टू थ्री और ए थ्री थ्री इंटू सी थ्री थ्री. देखो कोई भी एक रो लो उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लोगे, या कोई भी एक कॉलम लो उसका कोफैक्टर लो, मल्टीप्लाई करो आपस में और सबको ऐड कर दो. तो दिस इज हाउ यू विल इवैल्यूएट अ डिटरमिनेंट. हाँ, इसमें दो तीन बातें समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लूंगा नंबर के साथ. ये सारा मिटा दे. yes, sir. यस सर. ठीक है, राइट वाला चलो नहीं मिटा रहे हैं.
इसलिए क्योंकि इससे दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी आएगा, ठीक है, इसीलिए नंबर के साथ दिखा रहा हूं। देखो मान लो एक डिटर्मिनेंट हमने लिखा 1 1 2 2 3 4 2 1 2 ऐसे लिखा, ठीक है। अब देखो नेचुरली इसके 9 माइनस होंगे, चलो फटाफट बोलते हो M11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढकेंगे तो क्या आएगा बताओ, 3 4 1 2 तो 6 माइनस 4 यानी 2 हो गया। आप बताओ M12 2 4 2 2 2 4 2 2 गुड, तो 4 - 8 - 4 -4 आप बताओ M13 2 3 2 1 2 3 2 1 -4 आप बताओ M21 1 2 1 2 0 M22 1 2 2 2 1 2 2 2 तो 2 - 4 - 2 M23 बोलो 1 1 2 1 1 1 2 1 सही बोला 1 1 2 1 तो इसका वैल्यू कितना हुआ -1 -1 M31 1 2 3 4 1 2 3 4 तो -2 M32 बोलो 1 2 2 4 1 2 2 4 और ये कितना है 0 M33 कितना हुआ 1 1 2 3 1 1 1 देखो सारे माइनर्स हमने लिख दिए वैल्यूज। अब कोफैक्टर्स देखो ये फंडा से लिखेंगे। यस सर। चलो कैलकुलेट करो और बोलो C11 तुम लोग बोलो -1 का पावर 1 + 1 1 हो गया तो ये 2 रहेगा लेकिन C12 कितना होगा 4 C13 will be -4 C21 will be how much 0 C22 कितना होगा -2 C23 will be how much 1 C31 -2 C32 0 और C33 हो गया 1। देखो 9 माइनर 9 कोफैक्टर हमने लिख लिया। अब जैसे मैंने बताया कि कोई भी रो कोई भी कॉलम के अलावा डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया जा सकता है, क्यों? यस सर। अब देखो क्या ये चीज सही है, देख लो खुद ही कौन सा रो सिलेक्ट करें बोलो। चलो पहला करते हैं। देखो 1 1 2 पहले लिया एलिमेंट्स और पहला रो का कोफैक्टर ये है तो इनसे मल्टीप्लाई कर दो 1 × 2 2 × फिर अगला 1 × 4 और फिर -4 क्यों ये नहीं लिखेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना आया बताओ 4 2 6 - 8 - 2 आया क्यों। अब मान लो मैंने तीसरा कॉलम सिलेक्ट किया या पहला ही कॉलम कर लो ये लो 1 2 2 ओके okay? अब पहला कॉलम में देखो फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर 2 है। अब देखो अगला क्या है 0 फिर नेक्स्ट है तुम्हारा -2 तो देखो 2 - 4 कितना आया -2 देखो सेम वैल्यू आ रहा है। यस सर। सपोज तुमने तीसरा कॉलम लिया 2 4 2 यही ना एलिमेंट्स है। अब देखो 1 3 में कितना है -4 2 3 में कितना है 1 और 3 3 में है 1 जोड़ लो -8 + 4 + 2 तो -8 + 6 कितना आया -2 देखो minus कैसे two. भी इवैल्यूएट कर रहे हो ये आया। यस सर। हाँ दो इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहां से देखो ये यहां तक तो मैंने सिखा दिया था। हाँ इससे कुछ दो चीज एक्स्ट्रा सिखाना है इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया इसका। अब जरा ध्यान से देखना। अब मान लो तुमने एलिमेंट को फर्स्ट रो का लिया 1 1 2 ठीक है कोफैक्टर जरा सेकंड रो का लो। देखो सेकंड रो का कोफैक्टर ये तीनों है 0 - 2 1 देखो दिस इंटू 0 1 इंटू -2
एंड दिस इनटू वन. अब जरा जोड़ के बताओगे कितना आया? जीरो. मान लो वन वन टू एलिमेंट पहला ही रो का रखा, थर्ड रो का जरा को फैक्टर लो. देखो माइनस टू जीरो वन, देखो रिजल्ट क्या आया? जीरो. यस सर. मीनिंग समझ में आ रहा है कि अगर मैंने रो एलिमेंट कोई और रो का लिया, को फैक्टर किसी और रो का लिया, और जब मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा जीरो होता है. और सेम चीज कॉलम में भी होता है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है. लिखो, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विथ the cofactors of any other row or column, cofactors of any other row or column, then their sum is zero. ठीक है, ये बात याद रहेगा? Yes sir. अब एक छोटा सा काम और हम करते हैं. देखो, जिस जगह पे एलिमेंट था उसकी जगह उसका कोफैक्टर लिखो. देखो, दो चार माइनस चार, जीरो माइनस टू वन, माइनस टू जीरो वन. देखो ये आ गया. अब इस डिटर्मिनेंट को जरा इवैल्यूएट करते हैं. ठीक है, देखो फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग कर रहे हैं तो देखो टू इन टू माइनस टू, ओके, प्लस जीरो, यहां आ गया माइनस टू, यहां पे हो गया फोर माइनस एट, यानी कितना हुआ? माइनस फोर. तो देखो ये आठ माइनस चार कितना आया? चार. क्या ये माइनस दो का स्क्वायर है? यस सर. यानी ये डेल्टा का स्क्वायर हो गया. देखो ये ऑर्डर कितना है डिटर्मिनेंट का? तीन, इसीलिए ये स्क्वायर आया. अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर चार होता तो ये डेल्टा क्यूब आता. समझना है? Yes, तो यहां पे एक छोटा सा पॉइंट मैं चाहूंगा, लिख लो तुम लोग. रेडी? यस सर. लिखो, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट मेड अप ऑफ द कोफैक्टर्स, मेड अप ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ अ गिवन डिटर्मिनेंट हैज द वैल्यू डेल्टा टू द पावर एन माइनस वन, डेल्टा टू द पावर एन माइनस वन, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट, where n is order of the determinant. ठीक है? Yes sir. बात समझ में? Yes sir. इसको मिटाना है? देखो जो काम का बात है समझाने का, वो तो मैंने समझा दिया. Yes sir. इससे तो ये लिखने का कोई जरूरत तो है नहीं. तो अगर किसी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा. किसी और रो का कोफैक्टर या और कॉलम का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो सम हो जाएगा जीरो. अब यहां ध्यान से देखो, इनफैक्ट तुम लिख लो, इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई for all ij, right? If aij is equal to aji for all ij, then the determinant is called, then the determinant is called a symmetrical determinant.
देखो एग्जांपल के तौर पर फिर से हम दिखा रहे हैं, देखो ये एलिमेंट ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, ये ऐसा होता है ना, देखो यहां और ये एलिमेंट, देखो प्रिंसिपल डायगोनल ये है, इसके ऊपर वाला ये एलिमेंट्स इक्वल अगर हो जाए, इसको मिरर मान लो, तो मिरर इमेज पोजीशन पे अगर एलिमेंट्स इक्वल है तो उसको कहते हैं सिमेट्रिकल। देखो एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने लिखा, देखो वन टू टू थ्री, देखो तुम खाली ये देखो ये बराबर है तो ये सिमेट्रिकल है, करेक्ट, समझ में आया बात। अगर मान लो मैंने डेल्टा डैश एक डिटरमिनेंट लिखा, सपोज ऐसे लिखा, देखो ध्यान से देखो ए बी सी डायगोनल एलिमेंट्स मैंने कुछ भी लिखा, अभी भी यहां 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 एलिमेंट्स भरना है, हाँ है ना, यस सर। देखो ये डायगोनल मेरा मिरर हो गया, ठीक है, तो मिरर इमेज पोजीशन कौन सा हुआ, देखो इसका पोजीशन ये, इसका पोजीशन ये और इसका ये, अब मान लो मैंने यहां पे लिखा एफ, यहां लिखा जी, यहां लिखा एच, यहां पे लिख दिया वापस एफ, इस सिमेट्रिकल बनाना है तो देखो जी और यहां क्या लिखेंगे एच, ऐसे लिखेंगे, हाँ या ना, यस सर, यस सर। देखो अब ये तुम्हारा सिमेट्रिकल डिटरमिनेंट है, तो यहां इवैल्यूएशन का एक शॉर्टकट भी है, जो लोग पिछले साल क्लास नहीं किए थे वो लोग ध्यान से देखो, डायगोनल के लॉन्ग जितना एलिमेंट है मल्टीप्लाई कर दो, देखो ए बी सी लिखा, अब डायगोनल के ऊपर वाला तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ एफ जी एच, यही ना हुआ, yes, तो ये लिखोगे प्लस एफ जी एच, नीचे वाला भी करो तो उतना ही आएगा, हाँ या ना, yes. ये प्लस वाला हो गया, yes, अब ध्यान से देखो इसको और इसको जोड़ो, देखो ट्रायंगल बना, तो ए इंटू एच इंटू एच आया, देखो ये हो गया, देखो ऐसे और एक ट्रायंगल, यस सर, ये दो ट्रायंगल बनाओगे और साथ में इसका अपोजिट लोगे, और ये जो ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे जो एलिमेंट्स है वो सबको मल्टीप्लाई करो, तो देखो ए इंटू एच इंटू एच कितना हुआ ए एच स्क्वायर, बी इंटू जी कितना हुआ बी जी स्क्वायर, और माइनस ऑफ सी इंटू एफ सी एफ स्क्वायर, देखो ये इसका वैल्यू हुआ, अरे समझ में आया कि नहीं आया बता, तो ये सिमेट्रिकल डिटरमिनेंट जब होता है तो इसका वैल्यू तुम एक लाइन में लिख सकते हो, ठीक है, मैं एग्जाम्पल भी ले रहा हूं, देखो मान लो मैंने एक डिटरमिनेंट ऐसे लिखा, देखो ए बी सी बी सी ए सी ए बी, लो जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ये होगा, अब देखो तुम्हारा जजमेंट खाली ये करना है, ये देखो डायगोनल के देखो ऊपर मिरर इमेज पोजीशन पे बी बी बराबर है, सी सी बराबर है, ए ए बराबर है ना, सिमेट्रिकल, यस सर, सिमेट्रिकल है, अब ओरली देखो आंसर कैसे तुम फास्ट दे सकते हो, देखो ए सी बी प्लस ए सी बी प्लस ए सी बी कितना हुआ, देखो थ्री टाइम्स ए सी बी हो गया, ए बी सी, अब बताओ ए ए ए कितना हुआ ए क्यूब, ये माइनस माइनस ए क्यूब, देखो सी माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, देखो कितना सेकंड टाइम लगता है, पांच सेकंड से ज्यादा लगेगा, अब इसी में देखो अभी अभी एक प्रॉपर्टी हम सिखाए थे कि कोफैक्टर से जो डिटरमिनेंट बनता है उसका वैल्यू डेल्टा टू दी पावर एन माइनस वन होगा, अब देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक्चुअली देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, तुम थ्योरी याद नहीं रखते हो इसीलिए तुमको मुश्किल लगता है, ध्यान से देखो मैं खाली इसी का कोफैक्टर से बना दे रहा हूं डिटरमिनेंट, और यही क्वेश्चन के तौर पर तुमको दिया जाएगा, देखो बी सी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी, यानी ए सी माइनस ऑफ बी स्क्वायर ए बी माइनस सी स्क्वायर, इसका हो गया ए सी माइनस ऑफ बी स्क्वायर, और फिर इसका हो गया तेरा एक मिनट इसका ए बी माइनस सी स्क्वायर, इसका हो गया इसको बी सी माइनस ए स्क्वायर,
इसका हो गया ए बी माइनस सी स्क्वायर और इसका हो गया बी सी माइनस ए स्क्वायर और फाइनली इसका हुआ ए सी माइनस बी स्क्वायर। मैंने तुमको दिया इवेलुएट दिस डिटरमिनेंट, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे दिया तो देखते ही तुमको पहचान में आना चाहिए कि अरे ये तो इस डिटरमिनेंट का कोफैक्टर से बना है। यस सर। तो इसका वैल्यू वेल की तरह मल्टीप्लाई ना करके क्या मैं सीधे ये नहीं लिख सकता बी सी ए सी ए बी और इसका स्क्वायर होल स्क्वायर। यस सर। अब देखो ये एक लाइन में निकलता है 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब का स्क्वायर। यस सर। तो देखो क्वेश्चन देखने में कितना खतरनाक है लेकिन सॉल्व किया तो देखो 10 सेकंड के अंदर सॉल्व होता है। बस yes, सही सही प्रॉपर्टी याद रखना। तो ये सिमेट्रिक वाला फंडा याद रहेगा और इसका अल्टरनेट मेथड निकालने का लिख लिया। लिख रहे सर। लिखो जल्दी। लिख लिए सर। ओके। यस सर। ये एग्जांपल के तौर पे लिखा ना। यस सर। हाँ सर। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आता है ये मत सोचना कि नहीं आएगा। अब यहाँ अगला लिखो इफ Aij is equal to minus Aji for all ij, ठीक है? For all ij, if Aij is minus of Aji for all ij, then the determinant is said to be a skew symmetric determinant. ठीक है। अब यहां एक बात बताओ प्रिंसिपल डायगोनल पे आई और जे बराबर होता है? हाँ ना किसने बोल रहे? यस। तो अगर बराबर होता है तो देख आई इक्वल टू जे अगर है तो देख ए आई आई माइनस ऑफ ए आई आई होगा यानी ट्वाइस ऑफ ए आई आई इज जीरो तो ए आई आई इज हाफ जीरो। ठीक है। yes, यानी डायगोनल के लोग जितना एलिमेंट्स होगा स्क्यू सिमेट्रिक में वो जीरो होना चाहिए। तो अब मान लो मैंने यहां पे लिखा देखो जीरो ए माइनस ए जीरो। देखो एक सेकेंड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है बताओ इसका वैल्यू yes, क्या हुआ ए स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर। लेकिन अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा जीरो यहाँ पे ए बी माइनस ए माइनस बी जीरो माइनस सी सी जीरो देखो ऐसा लिखा। अब यहां ध्यान से देखो अब इसको इवेलुएट करो देखो ये ऑर्डर कितना लिया मैंने तीन। अब ये अगर तीन लिया देखो पहला एलिमेंट जीरो हो गया आया ना। अब देखो ये ए लिया तो अब इसका कोफैक्टर क्या होगा देखो जीरो और माइनस माइनस तीन माइनस माइनस बी सी तो ये प्लस बी सी हो गया और प्लस बी इंटू ये हो गया माइनस ए सी। देखो ए बी सी माइनस ए बी सी कितना हो गया जीरो। देखो ये जैसे ऑड ऑर्डर का आया इसका स्क्यू सिमेट्रिक का वैल्यू जीरो है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखना। लिख लो द वैल्यू ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट द वैल्यू ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर
of odd order लिखो of odd order is always zero मतलब order तीन हो पांच हो सात हो ये सब केस में जीरो होगा ठीक है whereas this may not be true for an even order skew symmetric determinant देखो इवन ऑर्डर में कोई जरूरी नहीं है कि जीरो होगा अगर ए जीरो होगा तभी ए जीरो होगा समझ में आया बात यस सर यस मिटाएं इसको यस सर यस सर ओके यस सर अब डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करने का एक और मेथड होता है और उसे कहते हैं सारस रूल ठीक है ये भी सीख लो मान लो डेल्टा एक डिटरमिनेंट मैंने लिखा ऐसे देखो ए बी सी ठीक है एक्स वाई जेड एल एम एन ऑल राइट अब देखो ये डिटरमिनेंट है ना तो तुम पहला दो रो को एग्जैक्टली नीचे रिपीट करो ए बी सी एक्स वाई जेड ओके रिपीट किया अब यहां पे ध्यान से देखो तीन डायगोनल पूरा होता है देखो आया ना yes, और सिमिलरली तीन डायगोनल इधर भी पूरा होता है ओके देखो थ्री डायगोनल्स दिस साइड थ्री डायगोनल्स दिस साइड मैंने पी और एन लिखा पी हो गया रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव एन रिप्रेजेंट्स नेगेटिव तो देखो इस डायगोनल के लॉन्ग मल्टीप्लाई करो देखो ए वाई एन प्लस एक्स एम सी और प्लस एल बी जेड देखो आया एन हो गया तुम्हारा एल वाई सी प्लस ए एम जेड और प्लस एक्स बी एन देखो ऐसा लिखेंगे yes, अब देखो डेल्टा द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज पी माइनस एन करेक्ट यस द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज पी माइनस एन ये बात याद रखना ठीक है तो ये भी एक मेथड है अभी जैसे देखो हम लोग वो डिटरमिनेंट क्या निकाले थे बताओ तो पढ़ो तो जीरो था और यहां क्या था ए बी था अरे यहां माइनस सी था और यहां सी था यही था ना यस सर देखो इसको भी हम लोग को निकालना है तो देखो जीरो ए बी माइनस ए जीरो माइनस सी रिपीट किया अब ध्यान से देखो P का वैल्यू कितना हुआ देखो जीरो 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 माइनस ए सी बी प्लस ए सी बी जीरो आ गया अब N का वैल्यू देखो एक एलिमेंट जीरो है तो जीरो हो गया इधर भी जीरो N भी जीरो है तो डेल्टा कितना हो गया जीरो आ गया जीरो तो ये मेथड ऑफ इवैल्यूएशन को सारस रूल बोला जाता है तो अगर चार ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो तीन रो नीचे लिखोगे और उसमें चार डायगोनल पूरा होगा ठीक है yes, जितना ऑर्डर yes, yes. है उतना डायगोनल पूरा होगा और ये डायरेक्शन पॉजिटिव का है तो P सबको मल्टीप्लाई करके लिखोगे ये डायरेक्शन नेगेटिव है तो N लिखोगे और डेल्टा इज P माइनस एन करेक्ट Yes, sir. समझ में आया इसमें yes, कोई कंफ्यूजन बच्चे no, sir. अब ध्यान से देखो तो मैं इस डिटरमिनेंट का वैल्यू यहाँ पे स्टैंडर्ड के तौर पे लिख दे रहा हूँ देखो ए बी सी क्योंकि ये हम लोग अभी के अभी कैलकुलेट किए हैं एक्स वाई जेड एल एम एन छोटा सा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि उतना जगह नहीं है और यहाँ पी क्या आया देखो ए वाई एन प्लस एक्स एम सी और प्लस एल बी जेड और एन आया कितना एल वाई सी प्लस ए एम जेड और प्लस एक्स बी एन और डेल्टा है पी माइनस एन ठीक है इसको मिटा यस सर यस सर अब प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटरमिनेंट एक एक करके मैं समझाऊंगा और तुम लिखोगे हाँ कैसे निकाला वो अगर देखने की इच्छा हो तो भी लिख सकते हो अब ध्यान से देखो
अगर मैं किसी भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को जीरो कर दूंगा, सारे एलिमेंट्स को जीरो कर दूंगा, तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोफैक्टर्स क्या देगा? जीरो. जीरो, करेक्ट. तो पहला रूल ये लिखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये लिखो, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन फुल रो और कॉलम, एनी वन फुल रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज जीरो, देन इट्स वैल्यू इज जीरो, देन इट्स वैल्यू इज जीरो. ठीक है, क्यों होता है ये तो पता चल गया. अब जरा ध्यान से देखो, दूसरा प्रॉपर्टी मैं समझाने से पहले लिख रहा हूं. देखो, कोई भी दो रो का एलिमेंट्स को प्रोपोर्शनल कर लो. ठीक है, तो मान लो मैंने पहला रो यहां पे रखा ए बी सी, ठीक है, और दूसरा रो को बना दिया देखो के के बी के सी और ये एल एम एन छोड़ दिया. देखो, फर्स्ट रो और सेकेंड रो प्रोपोर्शन में है कि नहीं? हाँ, है ना? यस सर. अब जरा फर्स्ट दो रोज को इसको इवेलुएट करना है तो देखो, हम इसको रिपीट कर रहे हैं. देखो, ए बी सी के ए के बी के सी. अब जरा बताओ पी डैश कितना हुआ बच्चों? देखो, के टाइम्स ऑफ ए बी एन, के टाइम्स ऑफ ए एम सी और के टाइम्स ऑफ एल बी सी. देखो, यही ना है? हाँ, है ना? यस सर. एंड डैश बोलो, के टाइम्स ऑफ एल बी सी, के टाइम्स ऑफ ए एम सी और के टाइम्स ऑफ ए बी एन. अब जरा ध्यान से देखो, सबट्रैक्ट करोगे तो डेल्टा डैश का वैल्यू क्या हुआ? देखो, दिस माइनस दिस जीरो. देखो, ये कट गया, ये कट गया. तो देखो, कोई भी दो रो को मैंने प्रोपोर्शनल किया तो जीरो है, आइडेंटिकल होगा तो प्रोपोर्शनलिटी वन हो गया ना, तो भी जीरो होगा. वही कहानी कॉलम में भी होगा, सेम चीज कॉलम में भी होता है. तो लिखो सेकेंड प्रॉपर्टी ये लिखो, इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स or any two columns of a determinant are identical or proportional, then its value is zero. ठीक है, तीसरा लिख लो, हम समझा देते हैं, अभी निकाल के दिखा देंगे. रेडी? यस सर. फुटबॉल उतार ले सर. हाँ, उतार लो, लेकिन थोड़ा जल्दी लिखना. ठीक है, लिख लिया सर. हाँ, तीसरा बात लिखो तो, इफ रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर कन्वर्टेड टू कॉलम्स, इफ रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर कन्वर्टेड टू कॉलम्स एंड वाइस वर्सा, देन द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड its transpose and its value remains the same as that of the original determinant. ठीक है, अब जरा यहां ध्यान दो. देखो, ये फर्स्ट रो एबीसी है, तुम इसको पहला कॉलम बना दो एबीसी, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया,
थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। देखो ये हो गया मेरा ट्रांसपोज डिटरमिनेंट, ठीक है। क्या कहेंगे इस डिटरमिनेंट का, क्या है ये ट्रांसपोज डिटरमिनेंट, ट्रांसपोज करेक्ट। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है। अब यहां देखो हम निकाल के भी दिखा रहे हैं, देखो ए एक्स एल बी वाई एन राइट। अब बताओ पी डैश क्या लिखोगे, ए वाई एन देखो पहला पूरा हुआ प्लस बी जेड एल और प्लस सी एक्स एम। जरा ध्यान से देखो पी के साथ, देखो पी क्या, देखो ए वाई एन देखो पहला टर्म मैच किया, सी एक्स एम की जगह वहां एक्स एम सी है, सेम चीज है कि नहीं। एल बी जेड देखो सेम चीज है, यानी पी डैश इज इक्वल टू पी, हाँ है ना। Yes. अब बताओ एन क्या है, देखो सी वाई एल प्लस ए जेड एम और प्लस बी एक्स एम। अब ये मैच कर लो, देखो सी वाई एल देखो ए जेड एम यहाँ है ए एम जेड, एक ही बात है। एक्स बी एक्स बी एम और बी एक्स एन एक ही चीज है ना। तो देखो ये n के बराबर है, तो डेल्टा डैश इज p डैश माइनस n डैश इज इक्वल टू p माइनस n, यानी ये वापस डेल्टा के बराबर है। देखो कोई अंतर पड़ा सर? तो रो को कॉलम बनाया, कॉलम को रो बनाया, उससे कोई इफेक्ट हो रहा है? नो सर। मिटाएं इसको। यस सर। यस सर। अब एक काम करते हैं, ये जो डिटरमिनेंट है इसमें से तुम कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करो। देखो मान लो मैंने पहला और दूसरा को इंटरचेंज किया, ठीक है, ये देखो एल एम एन, फर्स्ट और सेकंड को आपस में इंटरचेंज किया, तो एक नया डिटरमिनेंट बन गया। अब यहां देखो इसका वैल्यू और इसके वैल्यू में रिलेशन क्या होगा, ये चीज देखो। देखो एक्स वाई जेड ए बी सी मैंने ऐसे लिखा, अब बताओ पी डैश कितना होगा। देखो एक्स बी एन प्लस ए एम जेड और प्लस एल वाई सी। अब देखो इसीलिए मैंने ये लिख के रखा, देखो मैच करो, एल वाई सी देखो एन में है, ए एम जेड एक्स बी एन तीनों है, तो पी डैश बिकम्स योर एन। एन डैश क्या हुआ, देखो एल बी जेड एक्स एम सी और ए वाई एन। बताओ ये तुम्हारा पी में है कि नहीं? पी। यस सर। तो डेल्टा डैश तुम्हारा हो गया पी डैश माइनस ऑफ एन डैश, और ये एन माइनस पी है तो ये माइनस ऑफ डेल्टा आया कि नहीं। तो देखो यस सर, एक बार इंटरचेंज किया तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट एक माइनस वन से मल्टीप्लाई हुआ, तो दो बार चेंज करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर होगा, एन टाइम्स करेंगे तो माइनस वन टू द पावर एन हो जाएगा। यस सर। तो लिखो प्रॉपर्टी, लिखो चौथा, लिखो इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटरमिनेंट are interchanged once, if any two rows of a determinant are interchanged once, then the value of the resultant determinant is minus delta. Rows slash columns भी कर लो, क्योंकि column में भी तो applicable है ये। Yes, sir. If any two rows or columns slash columns कर लो once, ठीक है, तो एक बार मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस डेल्टा। हेंस आगे लिखो, हेंस सो वैल्यू इफ रो रिजल्टेंट डिटरमिनेंट इज माइनस डेल्टा, ठीक है, हेंस इफ रोज और कॉलम्स, इफ रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड एन टाइम्स, are interchanged n times, then value of the resultant determinant is minus 1 to the power n times delta. ठीक है, जितना बार भी तुम चेंज करो।
अगर तुमने तीन बार चेंज किया तो माइनस वन का क्यूब हो गया यानी माइनस डेल्टा हो गया, दो बार किया तो नलिफाई हो गया इफेक्ट, ठीक है? यस सर, समझ में आया ये प्रॉपर्टी? यस सर, यस सर। चलो अगला प्रॉपर्टी देखो। अब हम किसी भी एक रो को कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लो डेल्टा डैश मैंने लिखा के टाइम्स ऑफ ए, के टाइम्स ऑफ बी, के टाइम्स ऑफ सी, एक्स वाई जेड एल एम एन। देखो ये लिखा, अब पहला दोनों रोज को रिपीट करो। देखो के ए के बी के सी एक्स वाई जेड, देखो अब बताओ पी डैश कितना हुआ। देखो के टाइम्स ऑफ ए वाई एन, के टाइम्स ऑफ एक्स एम सी प्लस के टाइम्स ऑफ एल बी जेड, देखो ये होता है। यस सर। एन डैश कितना हुआ, के टाइम्स ऑफ एल वाई एल एल वाई सी, के टाइम्स ऑफ एन जेड और के टाइम्स ऑफ एक्स बी एन, देखो आएगा क्या? यस सर। जरा आप यहां ध्यान दो, देखो क्या ये केपी नहीं है? ये केपी हुआ। यस सर। यस और ये के टाइम्स ऑफ एन हुआ। तो अब बताओ पी डैश माइनस एन डैश यही ना मेरा डेल्टा डैश होगा। देखो के टाइम्स ऑफ पी माइनस एन यानी ये के डेल्टा हो गया, हाँ है ना? यस सर। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, तो मैंने अगर एक रो के सारे एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई किया तो के डेल्टा हुआ, दूसरा रो को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो और एक के आएगा, यस सर, तीनों को करेंगे तो के क्यूब, के क्यूब, क्योंकि यहाँ ऑर्डर थ्री है, ठीक है? अगर मान लो ऑर्डर एन होता तो यहाँ के टू द पावर एन होगा। यस सर। यस सर। अब कॉमन लेते वक्त भी यही हिसाब रहता है, ठीक है? ये बात याद रखना। देखो डिटरमिनेंट, अब पहले प्रॉपर्टी लिखो, ऐसे लिखो इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन ऑफ इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन फुल रो और कॉलम, फुल रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट, ऑफ अ डिटरमिनेंट is multiplied by delta, multiplied by a constant k, sorry, multiplied by a constant k, then the value of the determinant is k delta, then value of the determinant is k delta, ठीक है? Yes sir. आगे है? Yes, hence, if all the elements of a determinant, hence, if all the elements of a determinant are multiplied by a constant k, are multiplied by a constant k, then its value is k to the power n times delta, then its value is k to the power n times delta, ठीक है? समझ में आया बात? Yes sir. तो अब यहां देखो डिटर्मिनेंट में, इसलिए जब कोई चीज कॉमन लिया जाता है ना बच्चे, जब भी कोई बात कॉमन लिया जाएगा, अगर मान लो जैसे मैंने यहां पे लिखा, देखो a वन वन, ठीक है, मान लो यहां लिखा वन बी वन, यहां लिखा वन वन सी, तो कॉमन भी लोगे तो पूरा रो या पूरा कॉलम से लोगे। अब जैसे देखो अगर मैंने यहां ए कॉमन लिया, देखो तो अब यहां से ए वन बच गया, यहां वन बाय ए हो जाएगा, यहां वन बाय ए हो जाएगा। सेकेंड रो से अगर मान लो बी कॉमन लिया तो यहां वन बाय बी, वन वन बाय बी। थर्ड रो से मान लो सी कॉमन लिया तो देखो बाहर ए बी सी हो गया, यहां वन बाई सी, वन बाई सी वन, ठीक है? समझ में आ रहा है बात कि नहीं? यस सर।
डिटर्मिनेंट में भी किसी रो या किसी कॉलम से तुम कॉमन ले सकते हो, लेकिन पूरे रो या पूरे कॉलम से लेना पड़ेगा। मल्टीप्लाई भी जब करोगे तो यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स। अब जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे एबीसी अगर चाहे तो हम फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किए, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, देखो एबीसी, देखो एबीसी बाई बी कितना हो जाएगा ए सी, एबीसी बाई सी कितना हो जाएगा ए बी, और बाकी चीज को मैंने ऐसे छोड़ दिया, देखो वन वन बाई बी वन बाई सी वन ऐसे छोड़ दिया, समझ में आया। तो देखो मैंने फर्स्ट रो से ए कॉमन लिया, सेकंड से बी लिया, थर्ड से सी लिया, बाहर एबीसी आया और सबको मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट कॉलम में। Yes. So did you understand what is the effect? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Isko mitaye? Yes, sir. Likhna hai. Likh lete hain. Likh lo jaldi. Determinant ka evaluation mein kisi ko to koi samasya nahi hai. नो सर, उतना तो कर लेते हो गए। हाँ सर, यस सर, लिख लिया सर। समटाइम्स ओके, यस सर। अब यहां ध्यान से देखना अगला वाला, देखो डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन अगर थर्ड ऑर्डर का करते हो तो एक्चुअली छह टर्म आता है कि नहीं। देखो पी में तीन पॉजिटिव है, माइनस एक करोगे तो तीन नेगेटिव भी आ जाएगा, yes. कि नहीं। अब यहां ध्यान से देखना, yes. मैं एक डिटरमिनेंट को ऐसे लिख रहा हूं, देखो ए प्लस ए वन बी प्लस बी वन और सी प्लस सी वन, ओके एक्स वाई जेड एज इट इज है, एल एम एन एज इट इज है। अब इसको अगर हम इवेल्युएट करते हैं सारस रूल से तो क्या आएगा बताओ, देखो ए प्लस ए वन यहां लिखोगे, बी प्लस बी वन लिखोगे और सी प्लस सी वन लिखोगे, एक्स वाई जेड देखो ये ना लिखोगे, यस सर। अब देखो डेल्टा डैश इज एक्चुअली पी डैश माइनस एन डैश, हाँ या ना, यस सर। अब सर ध्यान से देखना इसलिए क्योंकि मैं एक साथ लिखूंगा, देखो a प्लस ए वन इंटू वाई एन करेक्ट, तो क्या मैं इसको ब्रैकेट को तोड़ के ए वाई एन और प्लस ए वन वाई एन लिख सकता हूं, यस सर, यस सर। अब अगला मैं देखो एक्स एम सी प्लस सी वन, तो यहां मैंने एक्स एम सी लिख दिया और यहां एक्स एम सी वन लिखा, कोई दिक्कत सर? नो सर। अगला देखो एल बी प्लस बी वन जेड, तो यहां पे मैंने एल बी जेड लिखा और यहां एल बी वन जेड, देखो दिस प्लस दिस देखो मैच कर रहा है ना, यस सर, यस सर। अब माइनस वाला टर्म, तो देखो माइनस ऑफ एल वाई सी प्लस सी वन, तो देखो माइनस ऑफ एल वाई सी यहां लिखा और माइनस ऑफ एल वाई सी वन यहां लिखा, देखो कोई समस्या? नो सर। अब देखो a प्लस ए वन इंटू एम जेड में से एम जेड यहां लिखा और ए वन एम जेड यहां लिखा, देखो अब देखो x b प्लस बी वन एन, तो देखो x b n यहां लिखा, x b वन n यहां लिखा, देखो दिस प्लस दिस लिखने में कोई हर्ज है? नो सर। अब पहला लाइन को देखो, क्या ये यही डिटर्मिनेंट नहीं है? डेल्टा, यस सर, यस सर। दूसरा वाला क्या है, उसी डिटरमिनेंट में एबीसी को एक्स वन वाई वन जेड वन अगर पुट कर दिया जाए तो आ जाएगा, यस सर। तो ये जो डिटरमिनेंट है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो ए प्लस ए वन बी प्लस बी वन सी प्लस सी वन, देखो एक्स वाई जेड एल एम एन,
देखो एक डिटरमिनेंट को हम दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं, किसी भी एक रो या एक कॉलम को एक बार में तोड़ के। देखो इसको हम लोग ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन, देखो ऐसे लिखा क्यों। अब यहां पे देखो ए वन बी वन सी वन ए टू बी सॉरी बाकी चीज इंटैक्ट है। एल वाई जेड एल वाई जेड नहीं एल एम एन तुम भूल जा रहा है। ए बी सी ना ए वन बी वन सी वन हुआ। तो देखो खाली पहला रो को मैंने ऐसे तोड़ दिया, तो तुम एक बार में एक ही रो या एक ही कॉलम को तोड़ सकते हो, ठीक है। यस यस सर। तो इनफैक्ट प्रॉपर्टी ऐसे लिखो कि अ डिटरमिनेंट कैन बी ब्रोकन अप एज sum or difference of two or more than two determinants by splitting any one full row or column at a time, यानि एक बार में एक ही को तोड़ सकते हो, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है सर। लिख लिए? हाँ लास्ट में ये जरूर लिख लेना, ठीक है, क्योंकि किस बेसिस पे तोड़ेंगे वो देख लो। हम एक और एग्जांपल लेके दिखाएंगे, इसको क्वेश्चन में यूज भी करेंगे। लिख लिए सर। देखो तुम एक या एक से, जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो में ही तोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो यहां पे मैंने ऐसे दिया होता, ये देखो इसी में दिखा दे रहा हूं, यहां मान लो प्लस ए वन प्लस ए टू है, ठीक है, माइनस ए टू है, यहां प्लस बी वन माइनस बी टू है और यहां पे माइनस सी टू है। तो ये डिटरमिनेंट को हम सीधे ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन, ये रहा पहला डिटरमिनेंट, प्लस यहां लिखोगे ए वन बी वन सी वन, ये हो गया एक्स वाई जेड एल एम एन, और यहाँ माइनस है तो सीधे माइनस लिख दो। देखो ए टू बी टू सी टू एक्स वाई जेड एल एम एन, ठीक है। यस सर। यस सर। याद रहेगा? यस सर। ओके मिटाएं इसको। यस सर। अब देखो अगला प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं रो या कॉलम ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो समझा देते हैं पहले, उसके बाद लिखवा देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चे सब लोग, देखो अगर आर वन को मैंने ऐसे लिखा, देखो आर वन राइट प्लस के या कोई और कांस्टेंट, हाँ ठीक है के ही मान लो, या लैम्डा टाइम्स ऑफ आर टू और प्लस म्यू टाइम्स ऑफ आर थ्री, देखो ऐसे लिखा। इसका मीनिंग क्या? इसका मीनिंग ये है कि पहला रो को हम ऐसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं दैट एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो आर इक्वल टू फर्स्ट रो एलिमेंट प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड रो एलिमेंट प्लस म्यू टाइम्स द थर्ड रो एलिमेंट। तो देखो एक नया डिटर्मिनेंट मेरा मिलेगा। देखो ए पहला रो का फर्स्ट एलिमेंट है, लैम्डा टाइम्स एक्स और प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एल। देखो बी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वाई प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एम। अगला हो जाएगा सी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जेड और प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एल। देखो ऐसा हो गया। अब बाकी तुम्हारा जैसा है, देखो मैंने वो तो कुछ किया नहीं, तो वैसे ही तुम इसको लिख दो एल एम एन।
करेक्ट। अब देखो ये मैंने रो ऑपरेशन किया तो क्या इससे डिटरमिनेंट का वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं, ये देखो। तो अभी अभी जो प्रॉपर्टी सिखाया उसके हिसाब से हम यहां देखो इसे तीन डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं। हाँ ना, कुछ तो बोल रहे। यस सर। क्या क्या लिखेंगे देखो, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा जेड, एक्स वाई जेड लिखा एल एम एन राइट। और अगला हम क्या लिखेंगे, म्यू टाइम्स एल म्यू टाइम्स एम एंड म्यू टाइम्स एफ एन, ये हो गया एक्स वाई जेड एल एम एन। देखो फर्स्ट एंड थर्ड रो प्रोपोर्शनल है, देखो यहाँ फर्स्ट सेकेंड प्रोपोर्शनल है, तो क्या ये डिटरमिनेंट जीरो हुआ? ये भी जीरो होगा, तो बचा क्या? देखो क्या डिटरमिनेंट का वैल्यू पे कोई फर्क पड़ा? नो सर। तो प्रॉपर्टी ये, इस प्रॉपर्टी लिखो, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन फुल रो और कॉलम, एनी वन फुल रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर मल्टीप्लाइड विथ एनी कॉन्स्टेंट एंड added or subtracted to all the elements of any other row or column, then also its value remains unchanged. अब देखो इस प्रॉपर्टी का उपयोग कहां पे है, कब तुम समझोगे कि ये मुझे इस्तेमाल करना है? देखो दो टारगेट होता है इसका, ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को सेम कर लेना, ठीक है, ताकि वो कॉमन आ जाए, और सेकेंड टारगेट होता है ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को जीरो कर देना, ठीक है? क्यों? जितना ज्यादा एलिमेंट जीरो होगा मल्टीप्लीकेशन उतना कम करना पड़ेगा। Yes, अरे हाँ ना, समझ में आ रहा है बात? तो उसी में इसका यूज होता है, जैसे मैंने रो में सिखाया वैसे ही कॉलम में भी होता है। मैं यूज करके दिखाता हूं, इसको लिखना है या नहीं? लिखो, मैं दो चार लिख लिया सर। ओके यस सर। अब देखो प्रैक्टिकली डिटरमिनेंट्स का इवैल्यूएशन में ये जो प्रॉपर्टी है और इसके पहले वाला जो बताया, मैंने ऐसा नहीं कि उसके पहले वाला बेकार है, उसके पहले वाला सब तो ओरल आंसर दे देता ना, तो इसीलिए वो उसके ऊपर फुल क्वेश्चन नहीं होता है, वो किसी भी क्वेश्चन का छोटा सा हिस्सा होता है। अब देखो कुछ डिटरमिनेंट मैं इवेल्युएट करके खुद दिखा रहा हूँ, बाकी तुम लोग को दूंगा। देखो ये बहुत फेमस है, इसको बोलते हैं साइक्लिक डिटरमिनेंट, ठीक है, और इसका रिजल्ट तुम स्टैंडर्ड के तौर पे याद रखोगे, इसीलिए दिखा रहा हूं। ये देखो, अब यहां देखो हम नॉर्मल तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात सोचो, अगर मैं ये जीरो जीरो कर पाऊं तो मेरा दो टर्म तो मल्टीप्लीकेशन से बच जाएगा। तो देखो वन माइनस वन जीरो देता है और ये वन माइनस वन भी तो जीरो देता है, तो पहला कॉलम को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सी वन माइनस सी टू, सेकेंड कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सी टू माइनस सी थ्री। देखो अगर तीन ऑर्डर है तो ज्यादा से ज्यादा तुम दो ऑपरेशन कर सकते हो, चार ऑर्डर है तो ज्यादा से ज्यादा तीन कर सकते हो, समझ में आया बात? कम से कम एक रो या कॉलम को इंटैक्ट छोड़ देना। तो अब देखो इसके बाद इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, देखो वन माइनस वन क्या हुआ जीरो, यहां क्या लिखेंगे बोलो, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां हो गया जीरो, बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वन सी सी स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो, क्या पहला कॉलम से ए माइनस बी कॉमन दिख रहा है? यस सर,
दूसरा सर दूसरे कॉलम्स राइट तो ए माइनस बी मैंने कॉमन लिया पहले कॉलम से बी माइनस सी दूसरे से लिया तो जीरो जीरो यहाँ वन वन हो जाएगा यहाँ क्या होगा ए प्लस बी बी प्लस सी यहाँ वन सी सी स्क्वायर देखो क्या ये आएगा अरे हाँ ना कुछ तो बोलो यस सर अब बताओ पहला रो के अलोंग अगर एक्सपेंड करेंगे तो जीरो इंटू समथिंग जीरो आएगा जीरो इंटू अगेन समथिंग जीरो आएगा तो खाली वन इंटू अब देखो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस यही ना आएगा यस सर तो बी प्लस सी माइनस बी प्लस ए यानी सी माइनस ए तो क्या ये ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए देखो होगा यस सर यस तो अब देखो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है ये हम लोग आगे चल के बहुत इस्तेमाल करेंगे देखो अगर डिटर्मिनेंट ऐसे है वन ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देखो ये डिटर्मिनेंट लिखो या ये लिखो देखो मैंने ट्रांसपोज ले लिया इसका अभी अभी सिखाया था ना देखो ये दोनों बराबर होता है एंड दिस इज ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए और ये साइक्लिक डिटरमिनेंट कहा जाता है अब कई बार क्या होगा ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड होगा तब भी तुम निकाल सकते हो ठीक है yes, sir. अब एक एक दो तो मैं दे रहा हूं तुमको ऐसा ही इवेलुएट करने के लिए ठीक है करके दिखाओ तो बताओ आंसर क्या होता है रेडी लिखो लिखो ना तो मैंने मना थोड़ी किया क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं देखो b प्लस सी ए प्लस बी ए ओके ये हो गया c प्लस ए बी प्लस सी डी यहां है a प्लस बी सी प्लस ए और यहां हो गया c देखो ये डिटर्मिनेंट निकालना है जो नंबर टू दिया मैंने वन प्लस ए वन 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 प्लस बी वन 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 प्लस सी ठीक है आंसर याद रखो इनका सब सिंपल है तुम सही से निकाल के बताओ ये दोनों का चलो लिख लो उसके बाद ये दोनों इवेलुएट करो सर आया किसी
सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी हाँ सही है बाकी सब लोग का सेम आया सर ठीक है मल्टीप्लाई करके लाया कि रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन से रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन करना है रो थोड़ी करना कॉलम ऑपरेशन उससे बहुत आसान हो जाएगा कॉलम ऑपरेशन से ठीक है सेकंड का बताओ सेकंड वाले का आंसर बताओ तो ये तो उसका कारण है देखो दिख रहा है साफ साफ ये सब ट्रैक कर दो तो ये बीसीए बन गया ठीक है तो ये आएगा तुम्हारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ऑफ थ्री ए बी सी सर सेकंड वाला का एपी प्लस बीसी प्लस सीए प्लस एबीसी माइनस ए माइनस बी माइनस सी ऐसा गंदा सा का तो नहीं आएगा फिर से करो है देखो हिंट पहला रो से ए कॉमन लो दूसरे से बी तीसरे से सी तो देखो वन प्लस वन बाई ए वन बाई ए वन बाई ए यहाँ वन बाई बी वन प्लस वन बाई बी एंड वन बाई बी वन बाई सी वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी देखो ये आता है क्यों हाँ है ना अब कॉलम ऑपरेशन करो सी वन को लिखो सी वन माइनस ऑफ सी टू और सी टू को लिखो सी टू माइनस ऑफ सी थ्री ठीक है देखो क्या आता है ए बी सी पहले आ गया यहां वन ठीक है यहां पे माइनस वन यहां जीरो यहां जीरो वन माइनस वन और ये हो गया तुम्हारा वन बाई ए वन बाई बी वन प्लस वन बाई सी क्या देखो इसमें कोई डाउट yes, अब अगर मैं देखो अब एकदम सिंपल हो गया तो एक्सपैंड भी कर देंगे तो दिस माइनस दिस यानी ये हो गया वन प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी अगला हो गया जीरो अब वन बाई ए इन टू दिस तो ये प्लस वन बाई ए तो देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर डिटर्मिनेंट ठीक है ए बी सी होल इन टू वन प्लस वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी ओके यस सर